बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की जेल से रिहाई पर सवाल उठ रहे हैं। आनंद मोहन गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। हाल ही में नीतीश और आरजेडी की गठबंधन सरकार ने उनके रिहाई के आदेश जारी किए हैं। चर्चा है कि आरजेडी के कहने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को रिहा करने का फैसला लिया। खास बात ये है कि एक समय ऐसा था जब आनंद मोहन ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमकर मुखालफत की थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के विरोधी रहे आनंद मोहन की रिहाई के पक्ष में आरजेडी ने बात क्यों की। दरअसल 90 के दशक में आनंद मोहन को लालू प्रसाद यादव का मुख्य विरोधी चेहरा माना जाने लगा था। वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उभरने लगे थे। साल 1990 में लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मंडल कमीशन का समर्थन किया। इस पर आनंद मोहन ने उनका विरोध किया। इसके बाद लालू सरकार में बाहुबली आनंद पर NSA, CCA और मीसा के तहत कई आपराधिक मुकदमों को दर्ज किया गया। इसके पीछे वजह भी थी आनंद का आपराधिक रिकॉर्ड। आनंद मोहन जनता दल के टिकट पर 1990 में पहली बार विधायक बने। 90 के दशक में बिहार में जब जातिगत राजनीति और हिंसा का दौर चरम पर था तब आनंद मोहन ने बिहार पीपल्स पार्टी बनाई। इसके जरिए आनंद मोहन ने राजपूत सवर्णों के हक में आवाज उठाई और उस समय की लालू प्रसाद यादव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। इससे पहले वो सामाजिक क्रांति सेना भी बना चुके थे जिसका मकसद पिछड़ी जातियों के उत्थान का विरोध करना और सवर्णों का दबदबा कायम रखना था। कहा जाए तो लालू यादव की मुखालफत करके ही उन्होंने अपनी राजनीति चमकाई थी। आनंद मोहन अभी बिहार की राजनीति में चमकते सितारे बने ही थे तभी उन पर हत्या का आरोप लग जाता है। दरअसल 5 दिसंबर 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन DM की हत्या के आरोप में आनंद मोहन और उनके समर्थकों को मुख्य आरोपी बनाया जाता है। 2007 में अदालत ने आनंद मोहन को DM की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई। हालांकि इसके एक साल बाद उनकी सजा उम्र कैद में बदल दी गई। जेल जाने के बाद भी आनंद मोहन का राजनीतिक रसूख कम नहीं हुआ बल्कि राजनीति की दिशा ही बदल गई। अपनी राजनीति की शुरुआत लालू के विरोध में करने वाले आनंद मोहन की धीरे धीरे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से नजदीकियां बढ़ने लगी। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी से जुड़ गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने चेतन को शिवहर से टिकट दिया और वो जीत भी गए। कुछ महीने पहले आनंद मोहन की बेटी की शादी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी CM तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे और हाल ही में हुई चेतन की सगाई में भी तेजस्वी यादव शरीक हुए। राजनीतिक जानकारों की माने तो आरजेडी मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण को केंद्र में रखकर राजनीति करती है। इसके बावजूद राजपूतों में आरजेडी की अच्छी खासी पकड़ है। कई राजपूत नेता आरजेडी में बड़े पद पर रह भी चुके हैं। माना जाता है कि राजपूत समाज का एक बड़ा धरा चुनाव में आरजेडी के पक्ष में वोट करता है, इसीलिए पार्टी हमेशा इस समाज को ध्यान में रखते हुए ही राजनीति करती है। अभी के माहौल में बीजेपी राजपूत वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करने की जमकर प्रयास कर रही है। ऐसे में महागठबंधन सरकार आनंद मोहन के जरिए राजपूतों को खुश करने में लगी है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि आनंद मोहन जेल से बाहर निकलकर सक्रिय राजनीति का रुख करेंगे और आरजेडी ज्वाइन कर 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के कहने पर ही नीतीश कुमार ने कारा नियमों में बदलाव किया और इससे आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हुआ।